तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो YouTube वीडियो पर एड सुटेबिलिटी का जो एरर आपको मिलता है वो क्या होता है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। दोस्तों क्या इससे आपके चैनल को कोई फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे आपके चैनल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपकी अर्निंग पर यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। चल झूठा। जब भी एड सुटेबिलिटी का एरर आपको मिलता है तो जो आपका डॉलर का लोगो है वो चिन्ह है वो पीले कलर का यहाँ पे कुछ दिखाई देने लग जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि उस वीडियो पर जो एड ना वो बहुत ही कम यहाँ पे दिखाए जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे एड प्ले होंगे, इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों आखिर ये आता क्यों आपकी वीडियो पर? तो दोस्तों ये जब भी आता है जब आप अपनी वीडियो में कोई गलत चीज बताते हैं या फिर किसी चीज को डाउनलोड करना अगर आप बताते हैं तब ये आपकी वीडियो पर यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसे फिक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, कभी कभी कभार यूट्यूब से कुछ गलती हो जाती है तो आप इसे फिक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपके सामने इसको फिक्स करके मैं बताऊंगा ये फिक्स होता है या नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं YouTube स्टूडियो में यहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे इस वीडियो पर आप देख सकते हैं एड सुटेबिलिटी का यहाँ पे एरर मुझे यहाँ पे आ चुका है। तो इसको आप कैसे हटाएंगे? तो दोस्तों इसको हटाना बहुत ही इजी है। अब आपको सिंपली करना है कि आपको सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रेस्ट्रिक्शन एड सुटेबिलिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एड सुटेबिलिटी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली रिक्वेस्ट ए रिव्यू पर यहाँ पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कॉर्नर में लिखा रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली इस बॉक्स पर यहाँ पे टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद अब आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। तभी आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल लाइव मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको 48 आवर्स का यहाँ पे वेट करना है, आपको एक ईमेल आ जाएगी जब आपका ये यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों हम वेट करते हैं 48 आवर्स तक। 2000 years later. दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का साइन पहले पीला था, अभी यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों इसने यहाँ पे टाइम लिया है पूरे 5 आवर का। आप देख सकते हैं मैंने 5 घंटे पहले इस वीडियो को अपलोड किया था परंतु मुझे यहाँ पे एड सुटेबिलिटी का एरर आ चुका था। तो इस तरह यार आप अपना भी एरर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं है, बस रिक्वेस्ट आपको इसमें भेजनी है, अगर होगा तो सही हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसमें 48 आवर्स भी यहाँ पे लग सकते हैं परंतु मेरा यहाँ पे 5 घंटे के अंदर ही अभी यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।